सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज सर, आज के वीडियो में हम ये वाली आई ड्रॉ करने वाले हैं टोन पेपर पे। तो इस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो जब हम आई ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा काम होता है स्ट्रक्चर बनाना आई का, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हो, कोई रेफरेंस सेलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आई सेलेक्ट किया और इसे हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड इसका शेप, सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ब्रेक डाउन करके हमें माइंडसेट, मतलब अपने माइंड में वो चीज़ बना लेनी एंड उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर उसको ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर जो आउटलाइन है वो कंप्लीट कर लिया है एंड देन उसके बाद आउटलाइन बनाने के बाद सबसे पहले हमारा काम है, देखो जैसे ही हम काम, जैसे हम वाइट पेपर पे काम करते हैं तो वाइट पेपर वाला जो है वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ शेडोज़ पे फोकस करना होता है। जैसे हम शेडोज़ बना लेते हैं तो दूसरा पोर्शन जो है वो ऑलरेडी लाइट में चला जाता है क्योंकि पेपर वाइट है। वैसे ही अगर हम ब्लैक पेपर पे बनाते हैं तो वहाँ पे भी सिमिलरली वहाँ पे हमें लाइट के ऊपर फोकस करना होता है क्योंकि ऑलरेडी पेपर ब्लैक है, तो हमें बस उसमें लाइट देना होता है एंड उसके बाद हमारा पोर्ट्रेट कम्प्लीट हो जाता है। बट जब आप ग्रे पेपर पे काम करते हो तो यहाँ पे हमें शेडो एंड लाइट दोनों पे फोकस करना होता है, दोनों को बैलेंस करना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो जो डार्क एरिया है ना यहाँ पे, उसे हम ड्रॉ करेंगे चारकोल पेंसिल से, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कि ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है एंड उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी होती है। तो जैसे आइरिस है तो वहाँ पे जो डार्क एरिया है उसको मैं कवर करूँगा पेंसिल से एंड जो थोड़ा सा लाइट एरिया जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट्स आ रही हैं वहाँ पे मैं वाइट चारकोल यूज़ कर लूँगा एंड उसको आराम से मिक्स कर लूँगा। ये करने के बाद थोड़े बहुत हम डिटेल ऐड करेंगे। अब डिटेल जो फाइनल फिनिशिंग एंड जो डिटेल्स हैं उसको ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हार्ड चारकोल की, तो वहाँ पे मैं हार्ड चारकोल से थोड़ी डिटेल ऐड कर दूंगा एंड इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आइरिस के बगल में जो वाइट पोर्शन होता है आई के अंदर, उसे हम वहाँ पर जिस तरीके से रेफरेंस में हमें दिख रहा है, ठीक है, जिस तरीके का वैल्यू दिख रहा है वहाँ पे हमें उसे ड्रॉ कर देना है एंड उसे मिक्स कर देना। मिक्सिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चारकोल के ऊपर बना रहे हो, खासकर टोन पेपर पे, तो मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से मिक्स होगा ना तो आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है। उसके बाद बाकी पोर्शंस है जहाँ पे लाइट आ रही है, देखो आप ये रेफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, उसकी वजह से जो एरिया जहाँ पे सीधा लाइट आ रहा है वो एरिया पे हम वाइट चारकोल से एरिया कवर करेंगे। पहले वाइट चारकोल पेंसिल है उसे अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद उसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, तब तक मिक्स करेंगे जब तक वो स्मूथ ना हो जाए, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो शाइन है, शाइन प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें ड्रॉ करनी है। ओके, जब हम आईब्रो ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हम हेयर के लाइंस भी बना सकते हैं एंड उसका वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक मैं लेकर जा रहा हूँ ताकि जो हेयर के डायरेक्शंस मैं दे सकूँ, हेयर के लाइंस क्लियर हों एंड वो जितना शेप है उसमें प्रॉपर हेयर के वॉल्यूम भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, लाइन बाय लाइन यहाँ पर बनाते जाना है ताकि आपके जो आईब्रोज हैं वो क्लियर एंड जितना आपको डार्क चाहिए, जो शेप चाहिए वो प्रॉपर तरीके से वो ड्रॉ हो सके। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डार्क वैल्यूज़ हैं एंड जो लाइट वैल्यूज़ हैं, डार्क वैल्यूज़ को हम ब्लैक चारकोल से बनाएंगे एंड लाइट वैल्यूज़ को हम वाइट चारकोल से बनाएंगे एंड उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिड टोन कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ। मिड टोन बनाने के लिए आप वहाँ पर ब्लैक चारकोल हल्का सा अप्लाई करो, पेंसिल नहीं, पाउडर आप अप्लाई कर सकते हो एंड उसके ऊपर आप थोड़ा सा वाइट चारकोल पेंसिल अप्लाई कर सकते हो, उससे आपका मिड टोन जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बनाते हो एंड
चारकोल पे से अगर आप बना रहे हो, आपका हाई कॉन्ट्रास्ट पिक्चर है, जो भी आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो हाई कॉन्ट्रास्ट है, तो वहाँ पर वाइट जेल पेन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जहाँ पे आप देखोगे तो जो शाइन प्रोवाइड करी है मैंने, वो वाइट जेल पेन उसमें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही ज़्यादा मत यूज़ करना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बिगिनर होते हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि शाइन प्रोवाइड करने के चक्कर में वाइट जेल पेन बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगती। तो एक लिमिट में आपको यूज़ करना है जहाँ तक वो रियलिस्टिक लगे। जितनी रिक्वायरमेंट हो बस उतनी ही वाइट जेल पेन वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो आर्टवर्क है वो बन जाता है। देखो अगर ये सारी चीज़ें आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो, ठीक है, लाइव मुझसे सीखना चाहते हो, जहाँ पे मैं पूरी तरीके से ड्रॉ करूँ, और भी एक्सक्लूसिव रियल टाइम वीडियोस का एक्सेस चाहते हो, तो आप मेरे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेगी। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें लाइव आके बताऊँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, आपको हैंड टू हैंड सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। एंड यूट्यूब पे ऑब्वियसली जो जिस तरीके से ट्यूटोरियल मैं लेकर आता हूँ वो लेकर आता रहूँगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट ये सारी चीज़ें अगर आप जल्दी और अच्छे तरीके से इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो वो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।